हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस या फिर स्टॉक मार्केट और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के ऊपर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक होने जा रहा है SML यानी कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन मैंने आपको बता दूं कि CAPM के पार्ट हैं दोनों, CML और SML यानी कि कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैंने CAPM और CML पे, फिर CML वर्सेस SML पे, ये सब पे वीडियोस पहले से बना दी है, आपको ऊपर आई कार्ड पे मिल जाएगी, साथ में लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सारे टॉपिक्स पहले ही क्लियर कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाके देख लीजिएगा ताकि आपका CAPM से, फिर बीटा से, ये सबसे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, फिर आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपका और एडवांस नॉलेज बढ़ सके पूरे टॉपिक को लेकर के, क्योंकि आप सब वीडियोस को देख लेंगे तो आपका पूरा नॉलेज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन पहले क्या होता है समझ लेते हैं। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन, जैसा मैंने CML के लिए बताया था, सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहां पर कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस आपको उसके लिए कितना रिस्क झेलना पड़ेगा उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहते हैं। जैसा CAPM में भी दर्शाया जाता है कि आप कितना रिस्क लेकर के कितना रिटर्न ले सकते हैं, उसी को हम लोग CAPM कहते हैं। वैसे ही उसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जब हम लोग ग्राफ के फॉर्म में बनाते हैं और उससे ये इवैल्यूएट कर पाते हैं कि हमें किस इन्वेस्टमेंट्स को फेवर करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, उसको हम लोग सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहते हैं। ये भी मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझा दूंगा, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको थ्योरी समझ में आ जाए इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया जिसमें कि आप अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को एस्टिमेट कर पाते हो अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से, कि आप कितना रिस्क लेकर के कितना रिटर्न ले सकते हो मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद, उसे हम लोग SML कहते हैं। तो जैसा कि आपको इस ग्राफ में दिख ही रहा है कि यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया था CML और SML के डिफरेंस में, कि CML में आप स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एक्सिस पे लिखते हो और यहाँ पे बीटा लिखते हो। बीटा आपको पता ही होगा कि बीटा आपको टोटल मार्केट रिस्क को कंप्लाई करके दिखाता है एक तरह से। अगर बीटा 1 है तो मतलब कि वो मार्केट रिस्क है। बीटा अगर 1 से ज़्यादा है, मतलब जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसका मार्केट के रिस्क से ज़्यादा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, हो सके रिटर्न भी उसी के हिसाब से ज़्यादा रहेगा, और अगर बीटा 1 है तो रिस्क आपको मार्केट से कम रहेगा और उसी के साथ आपको रिटर्न्स भी शायद कम मिल सकते हैं। तो ये आपका बीटा होता है। तो बीटा के हिसाब से अगर आपको रिस्क कितना मिल रहा है उसका जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उसको हम लोग सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहते हैं। ये मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, माफ करिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि SML कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जीरो से शुरू नहीं हो रहा, जैसा मैंने CML के लिए बताया था, हमेशा RF से शुरू होता है, यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न, जो कि आपको हर केस में मिलना ही मिलना है। 4%, 5% सेविंग्स अकाउंट का तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आपका रिस्क फ्री है, बिना रिस्क लिए आपको एक रिटर्न मिल जाएगा। वहीं से लाइन शुरू होती है और आपका यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट करती है जो कि बेस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रह सकता है आपका एक पर्टिकुलर रिस्क लेकर के, और उसी में आपको जो मार्केट रिस्क मिलेगा यही आपके ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को इवैल्यूएट करने में मदद करता है SML के थ्रू। तो यहाँ पे रिस्क एक्चुअली सिस्टमैटिक होता है, सिस्टमैटिक नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जिसको कि हम लोग डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको हेज भी नहीं किया जा सकता, एक्चुअली वो होता ही है, वो रिस्क हमेशा रहेगा। जिस रिस्क को आप डाइल्यूट नहीं कर पाए वो रिस्क रहेगा ही, उसे हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं, जो कि होना ही होना है। एक्चुअली ये सब रिस्क होते हैं गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट चेंजेस से रिलेटेड, टैक्स चेंजेस से रिलेटेड। जैसे कि मान के चलिए कि अभी ये एक रिस्क ही था कि कल को मोबाइल फोन इंडस्ट्री का टैक्स रेट GST में 12% से उठा के 18% कर दिया जाएगा, तो वो एक रिस्क था लेकिन 12% से 18% कर दिया गया, लेकिन आप उसको कुछ कर नहीं सकते हो, ना हेज कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, अल्टीमेटली क्या हुआ, फोन्स के रेट बढ़ गए। तो ये आपको सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर आता है। अब इसका अगर आप इक्वेशन का बात करोगे तो आपको सेम टू सेम CAPM जैसा दिखेगा कि अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्ट करना है तो उसका फॉर्मूला है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, RM यानी कि मार्केट से रिटर्न माइनस RF यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न जो मिल रहा होगा, यानी कि लगभग मान के चलिए कि आपको यहाँ पे सब चीज़ क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर आपको निकालने के लिए आ जाए तो आपको ये निकालना रहेगा प्लस आपको ये दिया रहेगा और बीटा भी मार्केट का दिया रहेगा। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था CAPM के वीडियो में कि सर बीटा का वैल्यू क्या रहेगा, तो बीटा यार आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बीटा अभी
0.5 है, 1.2 है, कुछ ऐसा करके हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये आपको इक्वेशन हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया सिक्योरिटी मार्केट लाइन का। अब बेसिकली आखिरी पॉइंट तक हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि SML का यूजेस कहां पे होता है। तो बेसिकली SML आपको इन्वेस्टिंग के पर्पस के लिए ही सिखाया भी जाता है। CAPM आपको पता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप एस्टिमेट कर सकें कि आप किस में इन्वेस्ट करें किस में नहीं करें। तो यही SML का भी पर्पस है, बस उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है जिसमें कि आप प्रॉपरली ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को जज कर पाते हैं। अब बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप शेयर मार्केट में इसको उतर जाओगे लेकर के बोलोगे यार मेरे को SML आ गया तो मैं कोई भी स्टॉक्स ऐसे वेरीफाई कर लूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करने में SML आपको बहुत काम देता है। तो बस यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना यार, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ये भी गिरे जा रहा है। और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं इसके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई दिक्कत हो तकलीफ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा एक आइडिया था, सजेशन था कि मैं लाइव आना चाह रहा था, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताना यार कि मैं आऊँ या ना आऊँ, और उसके बारे में आपका ख्याल थिंकिंग भी है। तो मिलते हैं इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए सिखाते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।